हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम 13 जून से स्टार्ट होने वाले थे और आज से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन्होंने भी आज के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम किया होगा। और जो आने वाले समय में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन के लिए हमने एक PYQ की सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें ऑलरेडी कई सारी वीडियोज़ मैंने आपके सामने लेकर आ चुकी हूँ। और आज मैं उसी कड़ी में एक और वीडियो लेकर आई हूँ। 50 क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे पेपर 1 के, UGC नेट के पेपर 1 के। तो बिना देरी करें हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, जिसमें हम बात करेंगे 50 क्वेश्चन की। एक तरह से ये लास्ट मिनट रिवीजन है आप सभी के लिए। पेपर जाने देने जाने से पहले आप एक बार चाहते हैं कि आप रिवाइज कर लें, तो सारे ही यूनिट के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पूरा पेपर है जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो और जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, उन सभी के लिए ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल हैं और जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। ये टेलीग्राम ID आपको नज़र आ रही है। टेलीग्राम से जुड़ने में कोई भी दिक्कत है तो जो नंबर दिख रहा है आपको, उस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए। ये नंबर जो है हमारा, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं टेलीग्राम की लिंक डायरेक्टली आपको सेंड कर दूंगी और ये जो है पूरा PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी होते हैं तो ये कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। किस चीज़ पर विश्वास करते हैं जब दोनों ही संदेश परस्पर विरोधी होते हैं? देखिए, जैसे लिखित में कुछ आपको मिल गया है और एक ओरली किसी ने कुछ कह दिया है आपसे, तो आप किस चीज़ पर विश्वास करोगे? नेचुरली जो लिखा हुआ है ना, आप उस पर विश्वास करोगे, क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी बताता है। वहाँ पर किसी के सिग्नेचर होते हैं जिसके कारण से आप उस पर विश्वास करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका अमौखिक संदेश। क्लियर। नेक्स्ट आता है, किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके किस प्रकृति में होने में होती है? किसी सूचना समृद्ध व्याख्यान, मतलब एक तरीके से व्याख्यान है जो कि सूचनाओं से समृद्ध है, की सामान्यतः विशेषता इसके किस प्रकृति में होने में होती है? देखिए, गति रहित तो कोई मतलब नहीं है कि गति रहित है, मतलब आपने कंटिन्यूसली में कुछ सुन लिया। संतरित है, इससे भी मतलब नहीं है। तथ्यात्मक होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, किसी चीज़ में फैक्ट होने चाहिए, है ना। तो इसका सही आंसर होगा फैक्चुअल, मतलब कि तथ्यात्मक होना चाहिए व्याख्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है? भावबोधक संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। तो भावबोधक मतलब जिसमें आपके इमोशंस जुड़े हुए हों, वो किस पर किसके द्वारा प्रेरित होता है? उदासीन उग्रता, कूट लेखन यानी कि इनकोडर जिसको कहा जाता है, कि व्यक्तित्व की विशेषताएं, बाह संकेत, कूट लेखक या फिर डिकोडर के अनुबंध से किस पर होता है? तो ये भावबोधक वाली बातें हैं नहीं हो रही हैं यहाँ पर, इसलिए इसका आंसर होगा क्या आपका? कूट लेखक के अनुवादक, अनुवादक अनुबंध पर। भाई कूट लेखक जो है, जो डिकोड कर रहा है ना, वो किस तरीके से उस चीज़ को अनुवाद करता है, क्योंकि यहाँ पर भावबोधक संप्रेषण है कि मतलब आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लिखित वे में कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कूट लेखक पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नांकित में से क्या होता है? सकारात्मक मतलब पॉजिटिव की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी बात हो रही है? पॉजिटिव की। तो दबाव, उत्पीड़न जी तो बिल्कुल नहीं होगा, आमना सामना ये भी नहीं होगा, समर्पण ये भी नहीं होगा, अनुनय, अनुनय का मतलब होता है आप उन्हें कन्वेंस कर रहे हैं अपने बारे में, है ना। तो वो सकारात्मक संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन की बातें हो रही हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है, प्रभावी संप्रेषण तटस्थता होनी चाहिए, प्रभुत्व होना चाहिए, उदासीनता होनी चाहिए या फिर बोध होना चाहिए। तो देखिए, प्रभावी संप्रेषण वही है कि आप जो कुछ भी किसी से मैसेज में भेज रहे हैं उसको वो अगला व्यक्ति जो है वो एज इट इज ले रहा है, इसलिए आपका जो प्रभावी संप्रेषण होगा। तो प्रभावी संप्रेषण तभी होगा कि जो आप कहना चाह रहे हैं ना, उसको एज इट इज़ व्यक्ति ले रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी चीज़ की बात करी और दूसरे ने कुछ और समझ लिया, आपने जो कहा वही उसने समझा। तो बोध होगा अगर, तो संप्रेषण सही होगा। तो आंसर क्या होगा? बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? कक्षा संप्रेषण किसका आधार है?
तो बताइए किसका आधार होना चाहिए, सामाजिक पहचान का, बाह्य निरर्थकता का, पूर्वग्रही उदासीनता या सामूहिक उग्रता। तो सामाजिक पहचान इसका सही आंसर होगा, सामाजिक पहचान का जो संप्रेषण है वो उसका सही आधार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये श्रृंखला दी गई है, इसका अगला पद आप बताइए क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करवाए थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले इनको डिकोड करना पड़ेगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। जिसके लिए मैंने आपको बताया था ए से लेकर जेड तक आपको नंबर अल्फ़ाबेट लिखने हैं, उसके बाद में उनको एक से लेकर 26 तक का नंबर देना है क्योंकि 26 लेटर होते हैं। उसके बाद आपको सीखना है कि किस तरीके से ये सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और इसकी प्रोसेस मैंने समझाई थी और इसको आप समझिए कि सॉल्व करके समझ जाएंगे कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा QLO। अभी मैं क्लियरली आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ क्योंकि यदि वो करने गई तो बहुत लंबा हो जाएगा सेशन, है ना, इसलिए इसको प्रोसेस मैंने आपको समझा रखी है, उस प्रोसेस से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के बारे में अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो जरूर देख लेना जिसमें मैंने ये डिकोडिंग समझाई थी आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का कूट सी है, यदि ए का कूट सी है, एम का कूट एन है, पी का कूट एस है, एन का पी है और एस का ओ है, ठीक है, एस का ओ है, ठीक है, और पी का एन है, ई का एम है, इस प्रकार से सब कुछ दिया हुआ है। तो कंपेनियन, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका बताना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं बताया था ना मैंने, जैसे यहाँ पे बताया था ना ए का सी है, मतलब आप नंबर लिखिए ए बी सी, तो जहाँ पर ए लिखा जाना चाहिए ना वहाँ क्या लिखा जाएगा, सी लिखा जाएगा, जहाँ एम लिखा जाना चाहिए वहाँ आप क्या लिखोगे, आई लिखोगे, जहाँ एन लिखा जाना चाहिए वहाँ क्या लिखोगे, पी लिखोगे, और जहाँ एस लिखा जाना चाहिए वहाँ क्या लिखोगे, ओ लिखोगे। तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर लेटर दिया हुआ है उसके स्थान पर आपको क्या वर्ड लिखना है वो लिख कर आप सही आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर इसका सही है आंसर नंबर डी, ठीक है, सॉल्व आपको करना है, आपको मैंने प्रोसेस बता रखी है, उस प्रोसेस से इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको इस सेशन में केवल क्वेश्चंस बता रही हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो हमने रीजनिंग पढ़ी थी और मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ी थी उससे रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सतत प्रकार का डेटा की पहचान करें, सतत प्रकार के डेटा की पहचान करें, मतलब कंटिन्यूस प्रकार का डेटा होना चाहिए। तो क्या है, एक व्यक्ति द्वारा बोली जा सकने वाली भाषाओं की संख्या, एक घर में बच्चों की संख्या, शहरों की जनसंख्या, एक छात्र, एक कक्षा में छात्रों का वजन। सतत प्रकार का, सतत मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस वाली बात हो रही है यहाँ पे, सतत प्रकार के डेटा की पहचान करनी है। तो एक छात्र में रहने वाले बच्चों का वजन जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली ने दुकानदार से 21 रुपए का ग्लास, पेंसिल बॉक्स, एक कप खरीदा। राकेश ने दुकानदार से ₹28 में एक कप और दो पेंसिल बॉक्स खरीदे और एक ग्लास खरीदा। प्रीति ने दुकानदार से 35 में दो ग्लास, एक कप, दो पेंसिल बॉक्स खरीदे। 10 कपों का मूल्य बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जिस तरीके से एलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे करना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है, और उसमें एक ग्लास के मूल्य को एक्स, ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ग्लास, फिर दिया हुआ है पेंसिल और फिर दिया हुआ है आपका कप, ठीक है, इनके जो रेट है उसको मानना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 21, ठीक है, तो इसमें अगर हमने सबको प्लस कर दिया तो इसका मूल्य आता है क्या, 21। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, राकेश ने दुकानदार से 28 में एक कप और दो पेंसिल बॉक्स और एक ग्लास खरीदा। इसी हिसाब से आपको इसको कन्वर्ट करके फिर इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, फिर भी आप चाहते हैं कि इसको मैं पूरा सॉल्व करके बताऊँ कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कम्प्लीटली आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बताऊँगी, ठीक है। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको एक प्रोसीजर बता दे रही हूँ कि पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 21, इसी के बाद में आपको क्या करना है, जो 28 वाला समेशन है, मतलब राकेश ने दुकानदार से 28 में दो कप, तो कप को हमने जेड से डिनोट किया है तो 2Z हो जाएगा, और पेंसिल बॉक्स दो पेंसिल बॉक्स 2Y, और उसके बाद एक ग्लास मतलब प्लस एक्स,
किया तो टोटल आता है कितना 28। फिर इन दोनों इक्वेशंस को आपको कंपेयर करके आंसर को निकालना पड़ेगा। इसका आंसर आएगा 70। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करके अलग से एक वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नीचे दिए गए चार शहरों में से किसी न किसी के रूप में एक समान है, जबकि चौथा शहर अलग है, इसकी पहचान कीजिए। ठीक है, तो ऋषिकेश इलाहाबाद पटना ये तीनों एक समान हैं, जबकि लखनऊ अलग है। तो किस सेंस में अलग है ये? इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? लखनऊ। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये लॉजिक लगाना है कि ये जो तीन शहर के बारे में ये बात कर रहे हैं, ये तीन शहर किस मामले में एक दूसरे से संबंधित हैं और बाकी दूसरा जो अगला शहर है वो किससे। तो देखिए, ऋषिकेश एक धार्मिक नगरी है, इलाहाबाद में भी कई सारे मंदिर हैं, पटना में भी है, तो लखनऊ में भी है, ये लॉजिक तो काम नहीं करता। लखनऊ यूपी में है, ऋषिकेश उत्तराखंड में, इलाहाबाद यूपी में है और पटना बिहार में है, ये भी लॉजिक काम नहीं कर रहा है। अब कौन सा लॉजिक काम कर रहा है? तो देखिए कि ये तीनों शहर जो है ना वो गंगा नदी के तट पर हैं, मतलब गंगा के किनारे हैं, जबकि लखनऊ जो है वो गोमती नदी के तट पर है, गोमती नदी के किनारे पर है, इसी सेंस में ये अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लखनऊ। ठीक है, आपको हर तरीके से दिमाग चलाना है कि कैसे काम बन सकता है हमारा। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए कुछ विशेषता, नीचे तर्क की कुछ विशेषता दी गई है, निम्नांकित में से एक उस कूट का चयन कीजिए जो निगमनात्मक तर्क की विशेषता नहीं बताता है। निगमनात्मक तर्क का मतलब क्या होता है? एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरा होता है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव का मतलब होता है आगमन और डिडक्टिव का मतलब होता है निगमन। निगमन कब करते हैं हम? ऐसा तर्क जिसमें से आप किसी बने बनाए नियम से एक कुछ तर्क निकाल रहे हैं, कुछ निष्कर्ष निकाल रहे हैं। और आगमनात्मक तर्क होता है जिसमें आप रीजंस बनाकर कुछ तर्क निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गई कुछ विशेषताओं में से, निम्नांकित में से एक उस कूट का चयन कीजिए जो निगमनात्मक तर्क की विशेषता नहीं बताता है। देखिए, फर्स्ट क्या है, निष्कर्ष प्रेक्षण तथा प्रयोग पर आधारित होना चाहिए। ये तो बात सही है, क्योंकि पहले से ही प्रयोग होकर कुछ लॉज बन चुके होते हैं निगमनात्मक तर्क में। निष्कर्ष आधार वाक्यों द्वारा समर्पित होना चाहिए। ठीक है, निष्कर्ष अनिवार्य आधार वाक्यों से निकाला जाना चाहिए, ये भी सही है। तर्क वैध तथा अवैध हो सकता है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये आगमनात्मक तर्क में हो सकता है। निगमनात्मक तर्क में तो पहले से ही जो रीजंस बन चुके हैं, जो लॉज बन चुके हैं, उनके आधार पर आप डिकोडिंग करते हैं। ठीक है, तर्क वैध और अवैध हो सकता है, ये बात आगमनात्मक तर्क में होती है, क्योंकि वहाँ रीजंस डेवलप किए जाते हैं। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँच जाते हैं। श्रृंखला 1, 4, 27, 16, ? 36, 343 इसमें से जो क्वेश्चन मार्क है उसमें कौन सी संख्या आएगी? मैथमेटिकल रीजनिंग के कई सारे प्रश्न हमने बहुत किए हैं अपने सेशंस में। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो सीरीज है वो कैसे आगे बढ़ रही है। तो देखिए, फर्स्ट जो है वो एक नंबर है, दूसरा लिखा है हुआ है 4, तो 4 क्या हो सकता है? 1 × 1 कर दिया हमने, 2 × 2, 27 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 3 × 3 × 3। ठीक है, अगला लिखा हुआ है 16, इसका मतलब क्या है? 4 × 4। फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर लिखा हुआ है 36। ठीक है, 36 हो गया, तो कैसा हो जाएगा ये कि 6 × 6। फिर लिखा हुआ है 343, मीन 7 × 7 × 7, यानी कि कैसे सीरीज आगे बढ़ रही है? एक का स्क्वायर है और एक का क्यूब है, एक का स्क्वायर एक का क्यूब अल्टरनेट वे में। तो यहाँ पर 16 के बाद में क्या आएगा? 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर था तो अगला नंबर जो भी होगा उसका क्यूब होगा, तो 5 का क्या होगा? क्यूब होगा, 5 × 5 × 5 बराबर क्या हुआ? 125। तो आंसर क्या होगा आपका? 125। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। महिलाओं तथा पुरुषों की प्रजननात्मक क्रियाविधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन किसी को भी दूसरे के सापेक्ष अधिक अपकृष्ट तथा उत्कृष्ट नहीं माना जा सकता। उसी तरह से जिस प्रकार पक्षी के पंखों को मीन पक्षों के सापेक्ष उत्कृष्ट या प्रकृष्ट नहीं माना जा सकता, यह किस प्रकार का तर्क है? देखिए,
तर्क वाले जब क्वेश्चंस आते हैं तो अलग अलग प्रकार के तर्क होते हैं। जब कभी ये बात की जाए ना, इसकी अपेक्षा ये, इसकी अपेक्षा ये, है ना, जब दोनों की कंपैरिजन की बात की जाए ना, मतलब उसके जैसा, उसके तरह, उसकी बातें, तब कौन सा तर्क होता है? सादृश्य परक। मतलब जब हम कंपेयर करते हैं, उसके जैसा कहने की बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सादृश्य परक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नांकित तर्क वाक्यों में से दो प्रकार संबंधित, दो इस प्रकार संबंधित हैं कि वे दोनों सही नहीं हो सकते हैं, किंतु वे दोनों गलत हो सकते हैं। उस कूट का चयन करें और जो उन दोनों तर्क वाक्यों को बताते हों। तो बताइए क्या होगा इसका। पहला क्या है, प्रत्येक छात्र दत्तचित्त हो सकता है, कुछ छात्र दत्तचित्त हो सकते हैं, छात्र कभी भी दत्तचित्त नहीं हो सकते, कुछ छात्र दत्तचित्त नहीं होते हैं। दत्तचित्त का अर्थ होता है एकाग्रचित्त होना। तो कौन सा जो एक छात्र है वो दत्तचित्त, अगर मान लेते हैं कि वह दत्तचित्त है तो उसकी बात पूछी जा रही है। तो प्रत्येक छात्र दत्तचित्त होता है ये बात सही नहीं है, हर व्यक्ति एकाग्रचित्त नहीं होता है, कुछ छात्र होते हैं ये बात सही है, छात्र कभी भी दत्तचित्त नहीं होता ये भी गलत है, कुछ छात्र दत्तचित्त नहीं होते ये बात सही है। ठीक है, तो ए और सी सही है, आंसर बिल्कुल साफ है। नीचे दिए गए दो तर्क वाक्य हैं ए और बी। दिए गए उन दोनों तर्क वाक्यों में से चार निष्कर्ष निकाले गए हैं, उस कूट का चयन कीजिए। ठीक है, और तर्क उस कूट निकाले गए हैं उस कूट का चयन कीजिए और उस कूट में तर्क वाक्यों को एकल एवं संयुक्त रूप से मान्य निष्कर्षों को दर्शाता है, बताइए। चलिए, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अस्पष्टता एक अभिशाप है। अस्पष्टता का मतलब होता है टच, अनटचेबिलिटी, जब हम किसी को छूते नहीं है ना, तो वो ठीक है, तो ये एक कथन है कि वो अभिशाप है। बात सही है भाई, अभिशाप है, किसी को नहीं छूना एक कौन सी बड़ी बात है। सभी गर्म बर्तन स्पर्श होते हैं, ठीक है, लेकिन गर्म बर्तन जो है उसको तो आप नहीं छूने जाएंगे ना, क्योंकि उसको जैसे छूएंगे आप जल जाएंगे। लेकिन ये वाला तर्क इस तर्क से किसी भी तरह से संबंधित है क्या? चलिए, बात क्या है क्वेश्चन में, ये तर्क दे दिए, सभी गर्म बर्तन अभिशाप है, तो कोई बात ना हुई भाई कि गर्म बर्तन ही अभिशाप हो गए। कुछ अस्पृश्य चीजें गर्म बर्तन है, ये भी गलत बात है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये बात हो सकती है कि कुछ अस्पृश्य चीजों में से एक गर्म बर्तन भी हो सकता है, कि गर्म बर्तन भी अस्पृश्य चीजें होती है जिनको टच नहीं किया जाता है। सभी अभिशाप अस्पृश्यता है, सभी तरीके के जो अभिशाप है ना वो क्या हो जाते हैं, केवल और केवल अस्पृश्यता है। ये तो बिल्कुल गलत है, पहला भी गलत था, सेकेंड थर्ड भी गलत है, कुछ अभिशाप अस्पृश्यता है, ये बात सही है, क्योंकि अगर हम अस्पृश्यता को किसी एंगल से देखें तो वो जरूर अभिशाप है ना। जैसे हमारे यहाँ जो छुआछूत की बात की जाती है ना, वो अभिशाप है। तो हमारा सेकंड वाला तर्क सही निकलता है और फोर्थ वाला, तो आंसर भी क्या है, सेकंड और फोर्थ। यदि कथन और कोई नहीं बल्कि वीर व्यक्ति ही दौड़ में विजयी होता है गलत है, तो इसका निम्नांकित में से किस कथन को सही माना जाता है? कथन है कि वीर व्यक्ति कोई नहीं बल्कि वीर व्यक्ति ही दौड़ में विजयी होता है, कि जो बंदा वीर होगा ना वही विजयी होगा, ठीक है। यदि यह कथन गलत है तो निम्नांकित में से किसे सही माना जाता है? अगर आपने ये बात मान ली कि कोई वीर व्यक्ति है वो ही क्या होगा, विजयी होगा, और ये गलत है कथन, तो सही क्या है? सभी वीर व्यक्ति दौड़ में विजयी होते हैं, जी नहीं। सभी दौड़ में विजयी होने वाले कुछ व्यक्ति वीर नहीं होते, ये भी सही नहीं है। कुछ व्यक्ति जो दौड़ में विजयी होते हैं वे वीर होते हैं, हाँ ये बात सही हो सकती है, लेकिन दौड़ में विजयी होने वाला व्यक्ति, दौड़ में विजयी होने वाला कोई भी व्यक्ति वीर नहीं होता है, दौड़ में विजयी होने वाला कोई व्यक्ति वीर नहीं होता है। अब दौड़ में कोई जीत गया वो वीर भी होगा, ये बात तो कहीं से लॉजिकल नहीं है, इसलिए ये आंसर हमारा सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। निम्नलिखित में से कथनों को पढ़ें, चलिए पढ़ लेते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT को सूचना प्रौद्योगिकी IT का उपसमुच्चय माना जाता है। सॉफ्टवेयर के किसी हिस्से के उपयोग अधिकार को कॉपीराइट या सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है या कहा जाता है। उपरोक्त में से क्या कथन सही है? दोनों कथन सही है,
केवल एक सही है, दोनों सही है, कोई भी सही नहीं है। क्योंकि देखो दोनों चीजें सही हैं, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी जो है ना वो आईटी से ही निकली। आईसीटी जो है पहले इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी और उसके बाद में कम्युनिकेशन ऐड हो गया, तो उसी से निकला हुआ है। सॉफ्टवेयर के किसी हिस्से का अधिकार कॉपीराइट वाला होता है, क्योंकि उसको सर्वाधिकार सुरक्षित होते हैं, कोई भी उसे चेंज या फिर उसमें अपग्रेड नहीं कर सकता, इसलिए दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों से उच्चतर से न्यूनतम गति स्पीड को सूचीबद्ध करता है? देखो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, इसलिए इन बातों को याद रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, मेमोरी यूनिट वगैरह सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। तो इसका आंसर होगा सीपीयू, रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, फिर RAM सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दशमलव संख्या षोडश संख्या से बड़ी है, S2 द्विआधारी संख्या 1110। द्विआधारी का मतलब क्या होगा? बाइनरी, और दशमलव का मतलब डेसिमल। ठीक है, बाइनरी एंड डेसिमल को चेंज करना भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डेसिमल नंबर जो है वो 11 षोडश संख्या हेक्साडेसिमल संख्या 11 से बड़ी है, और S2 द्विआधारी मतलब बाइनरी नंबर जो है के आंशिक भाग का दशमलव 0.625 है। तो केवल S1 केवल S2 कौन सा कथन सही है बताना है। केवल S1 केवल S2, S1 और S2, नहीं S1 नहीं S2, तो ये तो गलत है कथन, है ना। और जब ये गलत है तो यहाँ पर ये जो है इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल आएगा, इस वजह से ये सही है। तो केवल S2 सही है। ठीक है, इसको देखने के लिए बाइनरी टू डेसिमल वाला आप वीडियो जरूर देखना, उसको मैंने समझाया था कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एक समाहित प्रकाशन बनाने हेतु डाटा स्रोत से परिवर्तित सूचना के प्रकाशन में अपरिवर्तनीय सूचनाओं के संयोजन के प्रक्रम को जाना जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एक समाहित प्रकाशन बनाने हेतु डेटा स्रोत में परिवर्तित सूचना के साथ प्रकाशन में अपरिवर्तनीय सूचनाओं के संयोजन के प्रक्रम को जाना जाता है। इसको आंसर होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। DVD प्रौद्योगिकी में डिजिटल डेटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। DVD परिवर्णी किसके लिए है? तो इसका मतलब है DVD का फुल फॉर्म क्या है, तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट है सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, ये एक कथन है। इसका तर्क दिया जा रहा है पर्यावरणीय दृष्टि से सही नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती है अथवा प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण नहीं करती है। तो बताना है आपको क्या सतत विकास का जो समाज का कल्याण है उसके लिए महत्वपूर्ण है, ये बात बिल्कुल सत्य है। पर्यावरणीय दृष्टि से सही नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती है अथवा प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण भी नहीं करती है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आर जो है वो कुछ अलग ही बात कर रहा है, सही तो है लेकिन अलग ही बात कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सही, सही है लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा। अब ये क्वेश्चन हम आ गए पॉल्यूशन वाले, है ना, मतलब पर्यावरण संबंधी। शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx के कारण प्रदूषण का मुख्य कारण है सड़क परिवहन, वाणिज्य क्षेत्र और उद्योगों द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा पावर प्लांट। तो सड़क ये बात की जा रही है शहरी क्षेत्रों में, है ना, और जो भी प्लांट लगाए जाते हैं वो बीच शहर में नहीं लगाए जाते हैं बल्कि शहर से दूर लगाए जाते हैं, इसलिए सड़क परिवहन में ही इसका मुख्य कारण होगा। निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं है। जल मतलब प्रदूषित जल अगर आप पी रहे हैं तो आपको कौन सा रोग नहीं होता है? टाइफाइड होता है, हेपेटाइटिस होता है, हैजा होता है, डेंगू जो है वो मच्छरों के काटने से होता है। निम्नलिखित में से किस वेव 2.0 अनुप्रयोगों की कौन सी विशेषता है? पहला क्वेश्चन है एक से अधिक प्रयोगकर्ता वेव 2.0 के अनुप्रयोग के लिए एक समय पर केवल अपना समय निर्धारित करते हैं। वेव 2.0 का अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता केंद्रित होते हैं। वेव 2.0 का अनुप्रयोग विषय प्रदान करता है ना कि उसकी संरचना, और वेव 2.0 केवल अपरिवर्तनीय प्रश्नों का उपयोग करता है। तो इसका आंसर ये है
कि वेब 2.0 का अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलजुल कर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता प्रदान करता है। किस देश में हाल ही में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो एसी से गैस निकलती है वो भी यही होती है, को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की बात कही गई थी, किस उसमें, तो ये रवाडा कॉन्सेप्ट में कही गई थी, इसको आप नोट कर लेना। निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सी हाइड्रोमौसमी है, हाइड्रोमौसमी है मतलब हाइड्रो जहां बात आती है ना, तो वहां पानी से संबंधित हो जाता है, पानी से, ठीक है। तो हिमस्खलन नहीं होगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी नहीं होगा, सुनामी भी नहीं होगा। उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या होता है, जो आपकी ग्लोब में जो बीच वाला एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है उस की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रो वाली बात की जा रही है, इसलिए समुद्री कटाव इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के लिए के निम्नलिखित में से कौन से अवगुण हैं। वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, तो उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन से अवगुण हैं, विश्व पाठ्यक्रमों के साथ सम्मुखीकरण, शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा देना, शिक्षा का वस्तुकरण, शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी, और इनमें से जो भी कूट सही है उनको बात करना है आपको। शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा दिया जा रहा है, शिक्षा में वस्तुकरण किया जा रहा है, और शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी हो रही है, ये तीनों ऑप्शन ही सही होंगे जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं। निम्नलिखित में से डीम्ड विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा कथन सही है। डीम्ड विश्वविद्यालय, राज्य के राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं, ये बात सही है, ठीक है, कि अगर पूछा जाता है डीम्ड विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होते हैं, तो राज्यपाल होते हैं, वो होते हैं, वे अपना पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या बना सकते हैं, वे दाखिला और शुल्क के विषय में अपना दिशा निर्देश बना सकते हैं, वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं जी, बाकी ये काम तो यूजीसी ही से उनको लेना होता है, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा ए, सी और डी। भारत सरकार का लघु जल विद्युत परियोजनाओं से वर्ष 2022 तक पावर उत्पादन का लक्ष्य है। देखो ये क्वेश्चन जो पेपर मैं ले रही हूँ ना, ये 2018 का है, इस वजह से इस 22 तक में इनका क्या टारगेट था, ये उस वक्त पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये 5 गीगावाट था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही भंग किया जा सकता है। राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा के सदस्य को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी है। राज्यसभा में किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। निम्नलिखित फूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है बी, सी और डी। ये आप बी, सी और डी सारे पॉइंट्स आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम तह निम्नलिखित में से कौन सा तात्कालिक रूप से अनिवार्य नहीं होता है। राज्य विधानसभा को भंग किया जाना, राज्य के मंत्रिमंडल को बर्खास्त करना, राज्य प्रशासन को केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित करना, नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना। तो इसका आंसर होगा ए और डी, यानी कि राज्य विधानसभा को भंग किया जाना और नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना। किसी भी राज्य के में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम का निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य रूप से नहीं होता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करने के बजाय निम्नलिखित में से कौन सा सद आचरण पर्यंत पद रहता है, ठीक है। तो अब राष्ट्रपति के बाद किस चीज का रहता है काम, उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जज। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना, धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना। मूल्य शिक्षा मतलब कि वैल्यू एजुकेशन का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित करके अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। तो मानव मूल्यों के बारे में यदि समझा दिया जाए तो हर व्यक्ति यदि अपना कार्य नैतिक रूप से ढंग से करेगा तो सारे ही कार्य उचित रूप से होंगे।
अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, मतलब सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। नीचे दिए हुए कूटों का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर और आर ए की सही व्याख्या है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोनों सही तो हैं। कैसे कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो ये बूम टू टू मतलब कि पैदा होने से पहले स्टार्ट हो जाती है और मरने तक चलती रहती है। ये बात सही है, लेकिन अधिगम के उपयोगी होने के लिए नए जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। ये बात भी सही है, लेकिन ये इससे कहीं लागू नहीं होती है। शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नांकित में से किस रूप में किया जाना चाहिए? विषय वस्तु के आच्छादन पर, छात्रों की अभिरुचि पर, छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्रियों के उपयोग पर। तो कक्षण में शिक्षा के अधिगम परिणामों के आधार पर देखा जाता है कि शिक्षण कितना अच्छा हो रहा है। निम्नांकित में से किस शिक्षण विधि से में शिक्षार्थी की भागीदारी इष्टतम तथा पहलकारी मानी जाती है? परिचर्चाओं की विधि, युग्मित वार्ता की विधि, विचार विमर्श की विधि, परियोजना विधि। जी, प्रोजेक्ट मेथड जो होता है, इसमें कोई टीचर सिर्फ क्या करता है, पहले इंस्ट्रक्शन दे देता है, बाद में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। तो ये मेथड होगी जो पूरी तरीके से शिक्षार्थियों पर आधारित होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? देश की सामाजिक व्यवस्था से, सामाजिक समाज के आर्थिक स्थिति से, विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था से, शैक्षणिक व्यवस्था से। इसका आंसर होगा शैक्षणिक व्यवस्था से। निम्नांकित मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित करता है। संकलात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्णयात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है। तो दोनों सही है या नहीं है? ये पहला कथन है, ये दूसरा कथन है, ठीक है? तो इसका आंसर भी होगा ए सही है, किंतु आर उसका सही उपाय निर्णय नहीं दे रहा है। कैसे कि निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित करता है और संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है। तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा बात गलत है, ठीक है? दोनों ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नांकित कथनों के समुच्चय से कौन सा कूट सही है? जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक जो असफल होता है। प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करता है। अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, शिक्षण के बिना अधिगम नहीं हो सकता है। कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है। वास्तविक अधिगम का अभिप्राय कंठस्थ किया जाने वाला अधिगम है। तो इसका आंसर होगा ये, जिसमें कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो स्टेटमेंट है वो सही है। 49वें नंबर का क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान करके सोपानों का सामान्य अनुक्रम क्या होता है? विमर्श, प्रेक्षण, योजना निर्माण, क्रियान्वयन। योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रेक्षण, विमर्श। पहले सबसे पहले योजना निर्माण की जाती है, फिर उसको कैसे करना है उसका क्रियान्वयन होता है, फिर प्रेक्षण होता है मतलब उसका ऑब्जर्वेशन होता है, उसके बाद में फिर ये सफल हुई या नहीं उसका विमर्श किया जाता है। 50वें नंबर का प्रश्न है, समस्या स्थापन, विश्लेषण, शोध, अधिकल्प का विकास, परिकल्पना निर्माण, प्रदत्त एकत्रीकरण, सामान्यकरण और निष्कर्ष निरूपण। तो आपको बताना है कौन सा क्रम तार्किक है, ठीक है? तो इसमें है समस्या स्थापन करना, फिर परिकल्पना का निर्माण करना, फिर शोध अभिकल्प का विकास करना, प्रदत्त करना यानी कि डेटा कलेक्शन करना, फिर उनका विश्लेषण करना, फिर सामान्यकरण करना, फिर निष्कर्ष निकालना, ठीक है? तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध नैतिकता का विषय शोध से किस चरण संगत माना जाता है? समस्या स्थापन की एवं इसकी परिभाषा के चरण में। तो इसका आंसर होगा ये कि शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है। बाकी सारे ऑप्शंस में क्या है, शोध के समग्र के निर्धारण चरण में, प्रदत्त संकलन के विवेचन में, निष्कर्षों का प्रारूप में, प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है।
तो इसका सही आंसर होगा डायरेक्ट स्तरीय शोध पत्र, शोधकर्ता का सम्मेलन यहाँ पे पूछा जा रहा है। प्रारूप प्रतिवेदन औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है। शोधकर्ता का सम्मेलन, कार्यशाला एवं संगोष्ठी, संवाद परक एवं संवाद परक प्रस्तुतियां। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय का प्राचार्य विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभाग को अभिवृद्ध करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है, यह प्रयास अनुसंधान की किस प्रकारता से संबंधित है? तो ये है आपका एक्शन रिसर्च से, क्रियात्मक अनुसंधान से। ठीक है, तो ये सारे थे क्वेश्चंस। मैंने कोशिश तो करी कि दो एक ही उसमें ले आऊं, तो मैंने एक ही वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस को लेकर आई हूं, और आई होप कि आपके लिए ये अच्छे रहे होंगे, समझ में आए होंगे। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है, किसी चीज़ के ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं, तो मुझे बताइएगा, मैं उसे शेयर करूंगी अलग से एक वीडियो बनाकर। और ये क्वेश्चन जो है वो एक पूरा कंप्लीट पेपर है, मैंने कोई क्वेश्चन अपने मर्जी से नहीं बनाए हैं, ये प्रीवियस ईयर का एक पेपर है जो मैं आपके सामने लेकर आई हूं। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि इसी से संबंधित आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही स्टैंडर्ड आपके क्वेश्चंस का भी होगा, तो आपको अपने आने वाले एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये एक तरह से प्रयास था मेरा आपको समझाने का। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो जाते जाते लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपनी तरह के दोस्तों के साथ में, क्योंकि उनको भी इससे फायदा पहुंचेगा जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो, मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और पेपर के साथ में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गेट सक्सेस। बाय बाय।